चैप्टर 4.1 क्लास 9। पहला क्वेश्चन है मेरा, x plus 3। देखो, इस x से इस दोनों को गुना करेंगे, तो x से जब x plus 3 को गुना करेंगे, फिर इस प्लस 3 से भी दोनों को गुना करेंगे, तो 3 से भी x plus 3 को, तो x को जब x से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, x को जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर देखिए 3 को x से गुना करेंगे तो फिर 3x प्लस, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 जा 9। अब x स्क्वायर वाला टर्म कहीं पे नहीं है, तो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा प्लस। देखिए अब इसके अंत में भी x लगा हुआ है, इसके अंत में भी x लगा हुआ है, तो 3x प्लस 3x तो कितना x, 6x प्लस 9, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। इसको हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल ही देखते हैं अभी फिलहाल। अब देखिए दो नंबर क्वेश्चन, पहला का दूसरा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो देखिए इस x से फिर इस दोनों को गुना करना है, x से x प्लस 5 को, फिर इस माइनस 3 से भी दोनों को गुना करना है, माइनस 3 से तो x प्लस 5। देखिए x को जब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, फिर x को जब 5 से गुना करेंगे तो 5x माइनस, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, फिर देखिए अब माइनस प्लस माइनस, 3 5 15। तो देखिए x स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ प्लस 5x है, यहाँ माइनस 3x है, तो प्लस माइनस घटता है, तो 5x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा मेरा 2x, तो 2x लिख देंगे, लेकिन जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह उतरता है, तो बड़ा कौन है 5x और 3x में, 5x, 5x का चिन्ह प्लस है, तो प्लस 2x माइनस 15, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है मेरा 5x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 3। तो फिर देखें इस 5x से इस दोनों को गुना करना है, तो 5x से 5x माइनस 3 को, फिर इस प्लस 2 से भी इस दोनों को गुना करना है, प्लस 2 से 5x माइनस 3 को। देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, x को x से तो x स्क्वायर माइनस 5 दिया 15x प्लस 5 दुनी 10x प्लस माइनस, माइनस 2 दिया 6, तो 25x स्क्वायर। फिर देखिए अब यहाँ पे माइनस 15x है प्लस 10x है, तो माइनस प्लस, प्लस माइनस भी घटता है और माइनस प्लस भी घटता है, लेकिन जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह उतरता है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, 15x में से 10x घटाएंगे तो 5x बचेगा, और इस दोनों में बड़ा कौन है 15, 15 का चिन्ह माइनस, तो माइनस 5x आई माइनस 6, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए चार नंबर क्वेश्चन है मेरा, वाई स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7/2। देखिए ये अब ऐसे फॉर्मूला पर भी बैठ जाएगा, लेकिन जैसे हम गुना सिंपल वे से करते आए वैसे ही गुना से हम सीखेंगे। तो देखिए इस पहले से इस दोनों को गुना करना है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर प्लस 7/2 को गुना करेंगे, फिर इस माइनस 5/2 से भी इस दोनों को गुना करेंगे, 5/2 से वाई स्क्वायर प्लस 7/2 को गुना करेंगे। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को गुना करेंगे, तो देखिए जब बेस आपस में सेम होता है, यानी कि वाई यहाँ भी बेस है, यहाँ भी वाई बेस है, तो पावर जो होता है आपस में जुट जाता है, यानी कि ऐड हो जाता है, तो वाई पावर 2 पावर 2 तो 2 2 4 प्लस 7 को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो 7 वाई स्क्वायर
और नीचे हम बाय दो। फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस पाँच को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो पाँच वाई स्क्वायर नीचे में दो, प्लस माइनस माइनस पाँच सते पैंतीस नीचे में देखिए दो दूनी चार। फिर देखिए अब यहाँ वाई पावर फोर, यहाँ देखिए इसके अंत में भी वाई स्क्वायर है, इसके अंत में भी वाई स्क्वायर है, तो इस दोनों का जोड़ घटा होगा तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए कैसे प्लस दो, दो का एलसीएम दो, दो से दो में भाग देंगे एक, एक को सेवन वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो सेवन वाई स्क्वायर माइनस, फिर दो से दो में भाग देंगे एक, एक को पाँच वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो फाइव वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस पैंतीस बाय फोर। यहाँ देखिए वाई पावर फोर, यहाँ देखिए सेवन वाई स्क्वायर में से फाइव वाई स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, सात में से पाँच घटता है तो दो, दो वाई स्क्वायर बाय दो माइनस पैंतीस बाय फोर। अब देखिए ये दो कैंसिल तो वाई स्क्वायर नहीं वाई पर पावर फोर प्लस सॉरी वाई स्क्वायर माइनस पैंतीस बाय फोर, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, पांचवा नंबर। टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस फाइव, देखिए इस 2x से इस दोनों को गुना करना है तो 2x से 2x प्लस फाइव, फिर इस माइनस वन से भी दोनों को गुना करना है तो माइनस वन से तो 2x प्लस फाइव। देखिए अब दो को दो से गुना करेंगे तो चार, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस पाँच को दो से दो x से गुना करेंगे तो 10x, माइनस वन को दो x से गुना करेंगे तो माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस फाइव तो फोर एक्स स्क्वायर। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि दस एक्स में से दो एक्स घटाएंगे तो आठ एक्स बचेगा, ये दोनों बड़ा कौन है दस, दस का चिन्ह प्लस तो प्लस आठ एक्स माइनस पाँच, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं अब छठा नंबर क्वेश्चन। पाँच प्लस दो एक्स और पाँच माइनस दो एक्स, देखिए इस पाँच से इस दोनों को गुना करना है, फॉर्मूला पे सब बैठ जाएगा ऊपर से नीचे तक, लेकिन हम सिंपल वे से ही अभी सिखा रहे हैं, फिर बाद में फॉर्मूला पर भी सिखाना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए पाँच से देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो पाँच माइनस टू एक्स, फिर देखिए ये प्लस टू एक्स से भी दोनों को गुना करेंगे तो पाँच माइनस टू एक्स, देखिए पच्चीस पच्चीस माइनस पाँच दुनी दस एक्स प्लस, फिर देखिए पाँच दुनी दस एक्स प्लस माइनस माइनस दो दुना चार एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस दस एक्स प्लस दस एक्स कैंसिल तो पच्चीस माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर। सातवां क्वेश्चन, x प्लस थ्री बाय फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री बाय फाइव, देखिए फिर इस x से इस दोनों को गुना करना है तो x माइनस थ्री बाय फाइव, फिर इस प्लस थ्री बाय फाइव से भी दोनों को गुना करना है तो थ्री बाय फाइव से x माइनस थ्री बाय फाइव, देखिए अब x को जब x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर देखिए x को जब माइनस थ्री बाय फाइव से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स बाय फाइव, फिर प्लस थ्री बाय फाइव को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा थ्री बाय फाइव इंटू एक्स, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस तीन तिया नौ अब पच्चीस पच्चीस, यही है सर। देखिए आठवां क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन,
वाई प्लस एक्स बाई टेन इंटू वाई माइनस एक्स बाय टेन। देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला पर कैसे बैठता है, एक फॉर्मूला पर बना देते हैं। जैसे देखिए यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई है, मतलब अगर हम इसको कुछ भी माने जैसे ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगा। यहाँ है एक्स बाई टेन, यहाँ भी है एक्स बाई टेन, अगर इसको हम बी मानते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा बी। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए का मान कितना है वाई प्लस एक्स, सॉरी ए का मान है मेरा वाई, तो वाई का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी का मान है एक्स बाई टेन, तो एक्स बाई टेन का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा मेरा y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। ऐसे बना सकते हैं देखिए, और जैसे हम बताते आ रहे थे वैसे हम देखिए, और मेरा कैसे था y प्लस एक्स बाय टेन इंटू वाई माइनस एक्स बाय टेन। तो देखिए इस y से इस दोनों को गुना करना है, तो y से y माइनस एक्स बाई टेन, फिर देखिए इस x बाई टेन से भी दोनों को गुना करना है, तो x बाई टेन से y माइनस एक्स बाई टेन। देखिए y को y से गुना करेंगे y स्क्वायर माइनस x को y से गुना करेंगे एक्स वाई बाय टेन, फिर देखिए प्लस x को y से गुना करेंगे एक्स वाई बाय नीचे में टेन। अब देखिए प्लस माइनस माइनस x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100, सॉरी ठीक है नहीं देख पाए थे हमको लगता है। फिर से देखिए इस y से इस दोनों को गुना करना है, तो y से y माइनस x बाई टेन, फिर इस x बाई टेन से भी इस दोनों को गुना करना है, तो y माइनस x बाई टेन। y को y से गुना करेंगे y स्क्वायर माइनस है माइनस, y को x से गुना करेंगे, या तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं y x भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, दो गुना तीन कीजिए या तीन गुना दो कीजिए हमेशा छः ही आएगा। फिर देखिए प्लस x को y से गुना करेंगे एक्स वाई बाई टेन, फिर प्लस माइनस माइनस x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, टेन को टेन से गुना करेंगे 100। अब देखिए माइनस एक्स वाई बाई टेन प्लस एक्स वाई बाई टेन दोनों कट गया, तो y स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 100, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब दो नंबर, दो नंबर क्वेश्चन है सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है 103 गुने 106। देखिए तो 103 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 राउंडिंग फिगर में लिखना है गुना। देखिए 106 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 6, ठीक है। अब देखिए इस 100 से इस दोनों को गुना करेंगे जैसे पीछे कर रहे थे, तो 100 से 100 प्लस 6, फिर इस प्लस 3 से भी इस दोनों को गुना करेंगे, 3 से 100 प्लस 6। देखो
100 को जब 100 से गुना करेंगे, देखिए दो जीरो यहाँ है, दो जीरो यहाँ है, तो एक पर हो जाएगा दो दो चार जीरो, एक दो तीन चार जीरो, प्लस है प्लस। अब देखिए 100 को जब 6 से गुना करेंगे तो 106 600 प्लस। देखिए अब 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300, 3 को 6 से गुना करेंगे 3 6 18। अब सबको हमको जोड़ देना है और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जोड़ने की क्रिया हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले है एक पर एक दो तीन चार जीरो, फिर है 600 300 हो जाएगा मेरा 900, फिर कितना है 18, जोड़ते हैं देखिए 8 1 9 0 1 कितना हो गया 10918। ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, यहाँ 10,000 है, 600 300 900, तो 10918, तो 10918। चलिए वन जीरो नाइन वन एट यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी का दो नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है मेरा 103 × 98। देखिए तो 103 को तो आराम से हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं गुना। देखिए 98 को हम 90 प्लस 8 भी लिख सकते हैं और 100 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो आसान से हमको लिखना है, राउंडिंग फिगर में लिखना है। तो 98 जो है 100 के ज़्यादा करीब होता है या 90 के, तो 100 के ज़्यादा करीब होता है, तो इसलिए 100 माइनस 2 करीब में निकटतम मान में हमको लिखना है। फिर देखिए अब इस 100 से इस दोनों को गुना करना है। फिर देखिए इस प्लस 3 से भी इस दोनों को गुना करना है। तो देखिए यहाँ फिर एक पर यहाँ दो जीरो है, यहाँ भी दो जीरो है, तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा 4 0 माइनस 100 × 200 प्लस 300 × 100 तो 300 प्लस माइनस माइनस 3 × 6। अब देखिए यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे देखिए एक पर चार जीरो जो होता है 10,000, 10,000 में 200 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा मेरा 9800, 9800 में 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 10,100, 10,100 में से 6 घटाएंगे तो 10,100 में से जब 6 हम घटाएंगे तो मेरा बचेगा कितना 10,094, 10,094। ऐसे हम घटा करके भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे सूत्र करते हैं। यहाँ था मेरा 10,000, 2 3 4 फिर देखिए माइनस 200 तो 0 0 10 2 8 98, फिर हमको 300 जोड़ना है तो 300 जोड़ भी दिए, 0 0 और तीन कह रहे कि 1 1 1 9 1 10, 10,100, 10,100 में से 6 घटाना है, 10 में से 6 4 यहाँ 9 9 0 1 सॉरी नहीं नहीं यहाँ 0 होगा 10,094। तीन नंबर है 97 × 98। फिर देखिए अब 97 किसके ज़्यादा करीब है, 100 या 90 के, 100 के ज़्यादा करीब है, क्यों 97 को 100 पहुँचने मात्र 3 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको 100 - 3। फिर 98 को क्या लिख सकते हैं 100 - 2। अब देखिए इस 100 से इस दोनों को गुना करना है, तो 100 से 100 - 2, फिर इस -3 से भी इस दोनों को गुना करना है, तो -3 से तो 100 - 2। फिर देखिए 100 को 100 से गुना करेंगे, 00 यहाँ है, 00 यहाँ है,
तो एक पर कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार हो जीरो माइनस, एक सौ दो सौ गुना करेंगे 200, माइनस तीन को 100 से गुना करेंगे तो 300, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तीन तीन दूनी 600। अब देखिए यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, माइनस माइनस जुटता है मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो 200 और 300 तो हो जाएगा 500, तो 10,000 में से 500 जब घटाएंगे तो बचेगा 5900, 5900 हम 6 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा मेरा 5906।